अगर पश्चिम में भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे तो इससे गठबंधन को कोई फायदा होने वाला। आप 2019 का चुनाव ले लें, 2019 में हमारा मानना यह है कि अगर कैराना पे राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार होता तो किसी भी सूरत पे हम वापस हारने वाले नहीं थे। अच्छा कह रहे थे कि हम बंगाल में जाके लड़ेंगे। अरे हमारी पार्टी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग जितना लड़ेंगे जितना मजबूती से लड़ेंगे उससे गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं इसी बीच सपा और रालोद के बीच तल्ख तेवर साफ देखे जा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कैराना लोकसभा सीट, जहां दोनों ही पार्टियों के नेताओं तल्ख और तेवर हो गए। अब तो हालात ये हो गए हैं कि दोनों ही पार्टियों के साथ गठबंधन भी टूटने की चर्चाएं होने लगी हैं। दोनों पार्टियों के तल्ख तेवर देखकर लग रहा है कि सपा और आरएलडी कैराना में दो दो हाथ करने वाले हैं। दरअसल कैराना में हुए संवाद कार्यक्रम में जयंत चौधरी के विधायक ने न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि गठबंधन पर भी बड़ी बात कह डाली, जिससे आरएलडी विधायक की बातें अखिलेश यादव को चुभ सकती हैं। कैराना लोकसभा के तहत आने वाली थाना भवन विधानसभा सीट से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कहा कि हमें बोल्ड स्टेप लेने होंगे, आरएलडी अकेले भी चुनाव जीत सकती है क्योंकि आज माहौल बदला हुआ है और जनता आरएलडी की तरफ देख रही है, इसलिए किसी भी दूसरे दल का प्रत्याशी कैराना में चुनाव लड़ेगा तो नुकसान ही होगा। उन्होंने किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र कर कहा कि वो भी दौर था जब राजस्थान बिहार में हमारे सांसद जीतते थे और हरियाणा में विधायक भी। आप 2019 का चुनाव ले लें, 2019 में हमारा मानना यह है कि अगर कैराना पे राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार होता तो किसी भी सूरत पे हम वापस हारने वाले नहीं थे, ये सच्चाई है। और अब तरह तरह की वो सुनते हैं कि भाई कैराना भी जो है समाजवादी पार्टी का आदमी लड़ेगा, मुजफ्फरनगर भी समाजवादी का आदमी लड़ेगा, बिजनौर भी मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी का आदमी लड़ेगा। अभी ऋषिराज जी कह रहे थे कि हम बंगाल में जाके लड़ेंगे। अरे हमारी पार्टी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग जितना लड़ेंगे जितना मजबूती से लड़ेंगे उससे गठबंधन को फायदा होगा। ये बात अखिलेश जी को समझानी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए कि अगर पश्चिम में भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे तो इससे गठबंधन को कोई फायदा होने वाला। बता दें कि विधायक अशरफ अली जयंत चौधरी के खसम खास विधायकों में गिने जाते हैं। साल 2019 में बागपत लोकसभा सीट पर आरएलडी की हार का दर्द उनकी जुबान पर आ गया। कैराना लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने एसपी आरएलडी गठबंधन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन से आरएलडी हमेशा नुकसान में रही है। यदि 2019 लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा सीट पर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव लड़ता तो हम बागपत न हारते, ये बड़ी गलती थी। इस गलती को 2024 में नहीं दोहराना है। लेकिन अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सपा और आरएलडी गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि चर्चाएं जिस तरीके से की जा रही हैं इससे कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।